हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष डागर, स्पाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कोर मसल्स एंड उनका रोल आपकी स्पाइन हेल्थ में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोर मसल्स होती क्या है। ये कोर मसल है, ये ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो आपकी स्पाइन को 360 डिग्री सराउंड करती हैं। यूजुअली इसमें तीन ग्रुप जो मसल के हैं ब्रॉडली हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंसर मसल्स, सेकेंड इज फ्लेक्सर, थर्ड इज रोटेटर्स। सो जो एक्सटेंसर है, नाम जैसे सजेस्ट करता है कि वो आपके ट्रंक को पीछे की तरफ खींचते हैं। आप पीछे की तरफ जो एक्सटेंशन करते हैं उस चीज़ को हम जो ट्रंक एक्सटेंसर्स बोलते हैं। सेकेंड आर फ्लेक्सर्स जो आपके ट्रंक को आगे की तरफ झुकने में मदद करते हैं। थर्ड आर रोटेटर्स जो आपके ट्रंक को रोटेट करने में मदद करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो आपकी स्पाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर है। इनके बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो मसल है इसी से आपकी जो स्पाइन है उसको ब्लड सप्लाई मिलती है। जो बोन्स है, जॉइंट्स है या डिस्क है, जितना भी न्यूट्रिशन है वो ही इसको पहुँचा रही होती है मसल्स के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं। सेकेंड है कि ये बायोमैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो आपकी स्पाइन है वो एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, तो उसको अपने सीधा रहने के लिए बहुत सारी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जो ये मसल्स हैं वो उसको बायोमैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू कैरी लोड, जो अपर बॉडी का लोड है उसको ट्रांसमिट करने को के लिए पेल्विस तक। थर्ड इनका काम है कि ये एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं। ये इन्वॉलेंटरीली भी फंक्शन करती हैं, जिससे आप जब आप खड़े हैं तो आपको पता नहीं है कि आपकी मसल्स एक्टिव हैं या नहीं, बट वो आपको उस टाइम पे सपोर्ट कर रही हैं ताकि आप गिरे ना। तो ये कॉन्स्टेंटली वर्किंग है ताकि, और जिसकी वजह से जब आप लॉन्ग सिटिंग का काम जो प्रोफाइल करते हैं या लॉन्ग स्टैंडिंग का काम करते हैं तो थक भी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको आज स्ट्रेंथन करें ताकि ये अपना फंक्शन बहुत आराम से कर पाए। अब बात करते हैं कि हम इन मसल्स को स्ट्रेंथन कैसे करें। अगर आपने अभी तक कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं करी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग करें। तो लोअर बैक की स्ट्रेचिंग हो गई, फ्रंट ट्रंक की स्ट्रेचिंग होगी, ग्लूटियल मसल्स की स्ट्रेचिंग है, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग है। तो फर्स्ट एक से दो हफ्ते में आप सिर्फ मसल की स्ट्रेचिंग करें ताकि आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को आदत पड़े कि अब उनको एक्टिव होना है। हम डायरेक्टली अगर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो चांसेस होते हैं इंजरी का। इसी के साथ साथ, स्ट्रेचिंग के साथ साथ आप जो लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया है, स्विमिंग अगर आप कर सकते तो स्विमिंग है या साइकिलिंग है, आप इनको 5-10 मिनट्स के लिए शुरू करें और धीरे धीरे इसका जो टाइम पीरियड है बढ़ाएं, उसको 15-20 मिनट तक लेके जाएं। जब आप ये जो एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग है और लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, ये आप जब आप कंफर्टेबली कर लेते हैं तो आप शुरू करें आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग से। सो आइसोमेट्रिक शब्द का मतलब हुआ कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी मसल की लेंथ चेंज ना हो, ठीक है। तो इन एक्सरसाइजेस को हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। ये जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो बेटर यही होता है कि हम इसी चीज़ से शुरू करें। एडवांटेज इनका ये होता है कि आपकी ये मसल को स्ट्रेंथ करते हैं, मसल का प्रोप्रियोसेप्शन इंक्रीज करते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है कि मसल्स कौन सी पोजिशन में है वो आपके दिमाग को सेंस रहना। इससे जो इंजरी के चांसेस हैं, जब आप जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप हम हैवी वर्क लोड करते हैं, जब आप वो एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपका प्रोप्रियोसेप्शन अच्छा है तो माइंड आपको इंजरी होने से पहले ही आपको बता देता है कि आपकी लिमिट पहुंच गई है, तो आपको इंजरी होने के चांसेस ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस कम हो जाते हैं। तो बेटर है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से शुरू करें। तो हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे तीन ग्रुप मसल्स थे कोर के लिए, तो स्टार्ट विद आइसोमेट्रिक बैक एक्सटेंशन, जिसमें आप पेट के बल लेट जाएं और फिर अपने ट्रंक को ऊपर की तरफ उठाएं। ये बहुत सारे टाइप जो ये वाली एक्सरसाइज हैं, ये योगा में भी आपको पाई जाती हैं और योगा में स्ट्रेचिंग के भी बहुत सारे पोजेस होते हैं। तो अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपको आइसोमेट्रिक प्लस स्ट्रेचिंग दोनों ही चीज़ योगा आपका कवर कर लेता है। सेम ही है जैसे फ्रंट के लिए, जब आप आइसोमेट्रिक करते हैं तो फ्रंट के लिए आप क्रंचेस से शुरू करें। उसमें रादर देन डूइंग रिपीटेशंस आप क्रंच में ट्रंक को फ्लेक्स करके होल्ड करें, तो ये आइसोमेट्रिक हो गया, ठीक है। सो ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होने के बाद जब आप कंफर्टेबली ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन स्विच ओवर टू आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, जिसमें आप पर्टिकुलर मूवमेंट्स करते हैं और उन मूवमेंट्स का रिपीटेशन करते हैं। ये रिपीटेशन शुरुआत जब आप करें तो कम रिपीटेशन रखें, जैसे कि 5, 4 या 3। जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो यही रिपीटेशन को आप इंक्रीज करें, अप टू 15 रिपीटेशन मैक्सिमम आप एक सेट में लेके जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि ग्लूट ब्रिज हो गया आपके बैक एक्सटेंसर्स के लिए, क्रंचेस हो गया फ्लेक्सर्स के लिए, देन प्लैंक्स हो गया, साइड प्लैंक्स हो गया। साइड प्लैंक्स आर फॉर योर
साइड जो ट्रंक के जो रोटेटर्स हैं उनके लिए। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज करेंगी। अगर ये आप रेगुलरली करते हैं तो चांसेस यही है कि आपकी जो स्पाइन है उसकी हेल्थ अच्छी से मेंटेन रहेगी और आपको बैक पेन नहीं होगा।